الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وعن ربيعة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر ناظرين خير مقدمين يبقى रसूल अक्रम वसल्लम के पाकिज़ाहर शादात की इस मुजलिस में हदरत इमाम हाकिम मुस्तरक में और तबरानी अपने महजम में और इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्ंद इमाम अहमद बिन हम्बल में और अल्बानी असिहा में एक लंबी हदीस जिक्र करते हैं हदीस तो ऐसी है कि हमें तफसील से सुनना चाहिए आधे घंटे से पहले ये बात पूरी नहीं होती है। लेकिन वक्त हमारा मुख्तसर है इसलिए हम इक्तिसार में इस बात को रखते हैं हजरत रबी असलमी रजी अल्ला बड़े मशहूर साहबी हैं रसूल अक्रम सदम खास हर वक्त आपके पीछे लगे रहने वाले रसूल अक्रम सल्लम उनसे खुश हुए और खुश होकर उनको एक जागीर दे दी जमीन दे दी हजरत सद्दीक रत अल्लाह तन को भी रसूल अक्रम ने जागीर दी थी इन दोनों की जमीने करीब करीब थी तो एक पेड़ खजूर का बड़ा अच्छा फलदार दोनों में गलतफहमी का सबब बन गया हजरत रबिया कहते हैं कि ये मेरा है मेरी जमीन में है हजरत बुके सिद्दीक फरमाते हैं कि नहीं ये मेरा है मेरी जमीन में है बात मेरी मेरी से बरा तख्त तलख कलामी तक पहुंच गई हदरत बुके सिद्दीक रजी अल्लाह तला को गुस्सा आया और गुस्से में एक नामुनासिब लफ्ज उनकी जुबान से निकल गया लेकिन जैसे ही वह लफ्ज निकला जुबान से उनकी नेकी दीनदारी जो अल्लाह रबुल्जत ने उनके दिल में रखी थी उसने बेचैन किया उनको तो गुस्सा तो भूल गए मसला क्या था वो भी भूल गए अब एक मुतालबा है रबिया जैसे मैंने तुमसे यह लफ्ज कहा है ना ऐसी तुम भी कहो मुझसे उनका नहीं, नहीं मैं तो नहीं कहता नहीं, नहीं कहो तुम क़िसास ले लो मैंने तुम्हें बुरा कहा तुम भी मुझे बुरा कह लो हजरत रबिया ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कहूंगा अब ये इसरार करने लगे कि कहो कहो और वो मना कर रहे मैं नहीं कहूंगा बात बढ़ गई कहने लगे अगर नहीं कहोगे तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में तुम्हारी शिकायत करूंगा और उनका चाहे आप शिकायत करो कुछ भी करो लेकिन मैं नहीं कहूंगा ये लोग अब जब देखा कि ये तो अड़ियल हो गया है मान ही नहीं रहा तो चले वहां से जमीन छोड़ दी दरख्त छोड़ दिया अब उसकी फिक्र नहीं अब इस बात की फिक्र है मेरी आखिरत में बर्बाद हो जाए मैंने एक मुसलमान का दिल दुखाया है ऐसा लफ्ज का है जिससे उसका दिल दुखा है इसका क्या करूं मैं चले सल्लल्लाहु अक्रम सलाम की खिदमत में शिकायत करने के लिए किसकी हजरत रबिया की हजरत रबिया भी पीछे पीछे हजरत रबिया जा रहे थे उनकी कौम के कुछ लोग मिल गए क्या बात है बतला ऐसा था तो कहने लगे अजीब आदमी है अरे खुद ही बुरा बुला कहते हैं और फिर खुद ही शिकायत करने जा रहे हैं इसमें मदद करना चाहते हो ना या मुझे तबाह करना चाहते हो नहीं, नहीं हम तो आपकी मदद के लिए जा रहे हैं ना मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है अगर इस आदमी ने पलट के देख लिया तुमको तो ये गुस्सा हो जाएगा और ये गुस्सा हो गया तो रसूलुल्लाह गुस्सा हो जाएंगे और रसूलुल्लाह गुस्सा हुए तो अल्लाह ताला गुस्सा हो जाएगा और अल्लाह अगर गुस्सा हुआ तो रबिया तबाह हो जाए तो कहने लगे फिर क्या करें कहा तुम लोग वापस चले जाओ सब लोग वापस हो गए अभी अकेले पहुंचे अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाके उन्होंने जो बात हुई थी वैसी ही हजरत उके सिद्दीक ने सारी बता दी अब पीछे से ये पहुंचे अल्लाह के रसूल ने कर रबिया शदीक से तुम्हारा क्या मसला है क्या अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ था इन्होंने ऐसा कहा अब ये कह रहे हैं कि तुम भी कहो अल्लाह के रसूल मैंने मना कर दिया मैं नहीं कहूँगा आपने फरमाया ठीक किया तुमने तुम कभी भी वो लफ्ज मत कहना इनको जो इन्होंने कहा है बल्कि तुम ये कहो गफर लका या अबू बकर अबू बकर अल्लाह तुझे माफ कर दे अल्लाह तुझे बख्शे तुम ये कहो हज़रत अब के सदीक़ रजील्ल्ला को हज़रत रबिया ने रसूल अक्रम के कहने से यही अल्फाज कहे हजरत अबीक़ पर इसका इतना असर हुआ इतना असर हुआ कि वो रोते हुए उठे अल्लाह के रसूल की मजलिस से और रोते हुए चले गए किस किस बात का ख्याल आया होगा रसूल अक्रम की मोहब्बत का आपकी इनायतों का आपकी नवाजिशों का हज़रत रबिया के अहतराम का अल्लाह रबुल्ज़त की रहमतों का और अपना के मेरी मैं कहाँ और मेरी ये इज्जत तकरीम अल्लाह के रसूल के यहां कि आप खुद मना करें ना तुम वो लफ्ज़ मत कहना इनको तुम ऐसा कहो ये सारी बातें शायद उनके दिमाग में चल रही हो और रोते हुए घर चले गए भाइयों हो क्या हमारे लिए इसमें कोई इबरत है नसीहत है कोई सबक है अगर है तो हासिल करो गाली का जवाब गाली से नहीं बुराई का जवाब बुराई से नहीं भाई का एहतराम इज्जत ये बड़ी चीज है हजरत रबिया को जो ये दर्जा मिला कि रसूल अकरम ने एक बार उनसे फरमाया रबिया सल मांगो जो कुछ मांगते हो तो कहा अल्लाह के रसूल मांगू कहा हां मांगो मांगू हा मांगो, हां मांगो का असलों का मराफत कफिल चलना मेरा सवाल आपके साथ जन्नत में मुराफकत का है जन्नत में जहां आप रहें वहां रहूं मैं ये मांगता हूं फरमाया रज़ालिक रबिया ये तो बहुत बड़ी बात है यह है वो रबिया अल्लाह रबुलजत हमें और आपको निकमल करने की तोफीक अदा फरमाए और वो होशियारी अता करे वो दीनदारी अता करे जो हजरत रबिया को अल्लाह रबु लजत ने दी थी असलम वरम ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें